अरे ये क्या, अभी तक तुमने आधी रोटी खाई, ये लो एक और। नहीं मम्मी, अब मैं और नहीं खा सकती। एक और। नहीं मम्मी। अच्छा ये लो, एक तुम ले लो। नहीं मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। रोज रोज इतना खाना बच जाता है, ये लोग खाना ही नहीं खाते हैं। एक दिन नहीं बनाऊंगी ना खाना, तभी पता चलेगा। पिंकी, पिंकी। क्या मम्मी? देखो तुम लोग रोज रोज खाना नहीं खाते हो, इतना खाना बच जाता है, ये लो इसे फेंक के आओ बाहर। ठहरो, बचे हुए खाने को इस तरह से फेंकने के बजाय किसी जरूरतमंद को दें तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? सॉरी शक्तिमान, ऐसा कर ये खाना जो नीचे भिखारी है ना उसको दे। दोस्तों हमारे घरों में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत सा खाना बच जाता है और हम उस खाने को बिना संकोच बाहर फेंक देते हैं। होटलों और पार्टियों में तो ऐसा नजारा अक्सर देखने को मिलता है। ये बहुत ही गलत 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 बात है दोस्तों। खाना आप उतना ही पकाएं जितनी आपको जरूरत हो, ताकि अन्न बर्बाद ना हो। दोस्तों अन्न हमारे लिए देवता के समान है। हम जो कुछ भी काम करते हैं अपने पेट के लिए करते हैं। हमें अगर अन्न नहीं मिलता तो हमारा विकास, हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा अन्न का आदर करना सीखिए। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि एक ओर तो कुछ लोग अन्न को, उस बचे हुए अन्न को फेंकने में संकोच नहीं करते, और दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जिनको दिन भर में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। इसलिए दोस्तों जब कभी भी आपके घर में या आपकी पार्टी में खाना बच जाए तो उस खाने को ठीक तरह से रखिए और बाहर जाकर किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को उस खाने को खिला दें। इससे एक तरफ तो आपका खाना बर्बाद नहीं होगा, दूसरी तरफ किसी गरीब का पेट भर जाएगा। बड़ी सजावट हो रही है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, लगता है कोई प्रोग्राम होने वाला है। तू तभी से कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? चल ये गुब्बारों को लगाने में मेरी मदद कर। हमें शाम तक किसी भी हालत में इन गुब्बारों को लगाना है और इस घर को सजाना है, तभी हमारा शो शुरू हो सकता है, समझा? देखा, तू परेशान मत कर, तू अकेला ही क्यों नहीं इन्हें लगा सकता है? ठहरो, जब कोई सामूहिक कार्य कर रहे हो तो सबको अपना हाथ बटाना चाहिए। सॉरी शक्तिमान, चल। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि हमें कुछ कार्य लोगों के साथ मिलजुल कर करने पड़ते हैं, सामूहिक रूप से करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल या कॉलेज का कोई फंक्शन हो, या हमारे ऑफिस या हमारे मोहल्ले का कोई फंक्शन हो, तो हमें औरों के साथ मिलजुल कर उस कार्य को अंजाम देना पड़ता है। और ऐसे कार्य में हर एक का योगदान महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। परंतु कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि यदि मैं अकेला इस कार्य को ना भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है, और तो कई लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। यह सोचना उस आदमी की बहुत ही गलत भावना है दोस्तों, क्योंकि जब कोई सामूहिक कार्य होता है तो उसमें हर एक को अपनी अपना योगदान देना चाहिए। कई बार वो आदमी यह भी सोचने लगता है कि ये कार्य मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य तो है ही नहीं, या मेरे घर का कार्य तो है नहीं, इसीलिए मैं इसमें क्यों इंटरेस्ट दिखाऊं। मगर ये बात उसको समझनी चाहिए कि जब आप किसी समूह से जुड़े हुए हैं तो समूह का कार्य भी आपका व्यक्तिगत कार्य होता है, और उसमें आपको उतना ही योगदान देना चाहिए जितना आप अपने किसी काम को देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब आप सामूहिक रूप से औरों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं तो आपके अंदर एक तरह की टीम वर्क, यानी कि मिलजुल कर काम करने की भावना पैदा होती है, जो आगे चलकर आपके जीवन में बहुत काम आती है और लोगों के साथ सामंजस्य पैदा करने में आपकी बहुत मदद करती है। इसे दोस्तों आदत डालिए, औरों के साथ कभी काम करना पड़ जाए तो मिलजुल कर बांट कर उस कार्य को ठीक तरह से अंजाम।